तो ये है जन्नत, ये है जन्नत और ये सब है जहन्नम के गड्ढे सब हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, जब भी आप चलना तो सीधे रास्ते पर चलना, कभी शराब की तरफ मत भागना, नाच गाने की तरफ मत जाना, ढोल ताशे की तरफ मत जाना, ठीक है जी। किसी को गाली नहीं देना, किसी के माल पर डाका नहीं डालना, किसी के माल को चोरी नहीं करना, किसी को बुरा भला नहीं कहना। इसके बाहर गए तो इसमें रखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? अच्छा चलो आओ, मैं आपको लकीर खींचकर एक अच्छी चीज सिखाता हूँ। इधर आओ, इधर आओ, कोई चीज लेकर आओ, सब लोग इधर आओ, सारे बच्चे इधर आओ, ठीक है। ये है एक सीधी लकीर, ओके, ये एक सीधी लकीर है ना। हाँ, जी। अच्छा, अब यहीं पर जो है एक लकीर ऐसे है, एक लकीर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और इसके बगल में यानी एक सीधी लकीर गई है ऐसे। आप यहाँ पर हो, ठीक है जी, आप यहाँ पर हो जी, एक लकीर सीधी गई है और एक लकीर इधर, एक लकीर इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि ये जो सीधी लकीर गई है, इस पर जाना आसान है, किस पर जाना आसान है, किस पर जाना आसान है? जो सीधा गई है ना। अच्छा, अगर कोई कहे कि सीधा जाओगे तो आपको सही रास्ते पर आप गए हो, और आपको यहाँ पर मिलेगा बहुत सारा खाने का सामान, बहुत सारी चीजें, यहाँ आप सुकून से आराम से रहोगे। और ये जो सब रास्ता गया इधर से उधर, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नुकसान देंगे। यहाँ पर शैतान है, कीड़े मकोड़े हैं, जहरीले जानवर हैं, यहाँ पर गड्ढा है, आग है, सारी चीजें हैं, ठीक है, इन सब रास्तों पे, इन सब रास्तों पे। और ये सीधा जो रास्ता गया है, ये रास्ता आपको लेकर जाता है जन्नत की तरफ, और ये रास्ता आपको लेकर जाता है जहन्नम की तरफ, ठीक है जी। तो आप बताओ कि आप किस रास्ते पर जाओगे? सीधा रास्ते पर ना। और आपको मैं एक बात बताऊं, इन रास्तों पे आपको बहुत सारी दुनिया के अंदर क्या मिलेंगी, अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देंगी, जो आपको लगेगा कि आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इस रास्ते पर शराब होगा, जुआ होगा, हाँ, पान, बीड़ी, सिगरेट, नाच गाना, ढोल ताशा, यहाँ पर इन रास्तों पर सब कुछ आपको दिखेगा। हाँ जी। आपको शराब भी इस रास्ते पर मिलेगा जी। हाँ जी। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, आप सोचोगे लाओ मैं इसी रास्ते पर चलता हूँ। एक दोस्त आपके साथ आएगा, आपका हाथ पकड़ेगा, आपसे कहेगा चलो इस रास्ते पर चलते हैं, यहाँ पर नाच देखेंगे, बाजा देखेंगे, हाँ, ऑर्केस्ट्रा देखेंगे, और बहुत सारी चीजें देखेंगे, शराब पियेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, मौज मस्ती करेंगे जी। तो आप बताओगे, बताओ कि क्या आप उसकी बात मानोगे? नहीं। तो अगर आप इस रास्ते पर चले गए उसकी बात मानकर, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? जहन्नम। ये जहन्नम है ना जी। जहन्नम में पहुँच जाओगे। और आपका एक अच्छा दोस्त जो नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, गलत काम नहीं करता है, ठीक है, आपका हाथ पकड़कर कहेगा कि दोस्त तुम उस दोस्त के साथ ना जाओ, आपको जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है, चलो मैं आपको सीधे जन्नत की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो आप किसकी बात मानोगे? सही, जो जो सही दोस्त होगा, जो आपको जन्नत की तरफ लेके जाएगा, जो आपको अच्छी अच्छी चीज सिखाएगा, ठीक है जी। जो आपको नमाज पढ़ना सिखाएगा जी। आपको अल्लाह की बातें सुनाएगा, दीन की बातें सुनाएगा, ठीक है जी। तो ये है जन्नत, ये है जन्नत जी। और ये सब है जहन्नम के गड्ढे सब हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, जब भी आप चलना तो सीधे रास्ते पर चलना, कभी शराब की तरफ मत भागना, नाच गाने की तरफ मत जाना, ढोल ताशे की तरफ मत जाना, ठीक है जी। किसी को गाली नहीं देना, किसी के माल पर डाका नहीं डालना, किसी के माल को चोरी नहीं करना जी। किसी को बुरा भला नहीं कहना जी। बड़ों की इज्जत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, रोजा रखते हुए सीधे जन्नत की तरफ चले जाना, ठीक है ना जी। आप समझ गए ना जी। ये जो सीधा रास्ता जाता है कहाँ जाता है? ये जन्नत की तरफ। और ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है। तो आप किस रास्ते पर चलोगे? पक्का? पक्का। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वादा करो इंशाल्लाह हम जन्नत के रास्ते पर चलेंगे। इन रास्तों पर नहीं जाएंगे। ये शैतानों का रास्ता है। चलो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कामयाब करे,
आपको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपका ठिकाना जन्नत बनाए। आमीन।